मीठा पुलाव। मीठा पुलाव ये कल बनाना था, लेकिन साहिब जी जो कि है मेरा देवर जी, लाड साहिब जी, उन्होंने कल नहीं खाएंगे क्योंकि कल है मंगलवार, तो आज इसलिए बना दे रहे। वैसे कल भी एक बर्थडे बॉय है और आज भी एक बर्थडे कल है, तो कल भी कुछ स्पेशल बनेगा ओम के लिए, मेरा भांजा के लिए कल भी स्पेशल बनेगा, लेकिन कल चिकन नहीं खाएगा। ठीक है, आज स्पेशल, आज भी बन रहा है, कल भी बनेगा स्पेशल। वैसे आज सोचे थे पनीर का कुछ सब्जेक्ट पूरी बनाएंगे, तो ठीक है कल चिकन नहीं खाएगा, तो आलू से चिकन और मीठा पुलाव उसके डिमांड से बना रहे हैं। और अभी बर्थडे जो डेकोरेशन वो भी चालू है, और जो बर्थडे गर्ल है बहुत रोती है, और बलून वगैरह डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो, और बाहर डेकोरेशन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे भी सिंपल डेकोरेशन है, कोई तामझाम नहीं। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है, बच्चा है इसलिए थोड़ा छोटा सा कुछ भी, भाभी आराम से लग जाएगा आपको। तो चलो आज हमको साड़ी में कैसे करते बताओ। अरे सब लोगों आप यही पूछिएगा। हाँ, नया कुछ पहनते तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पूछते हैं, जलते हैं हमसे। हम कल जलेंगे जी, हम औरत थोड़ी है जो जलेंगे। तो चलो चलते, ये वैसे देखने में अच्छा लग रहा है ना, देखो ये हम भर भर के काजू और किशमिश और मीठा पुलाव ने, पुलाव में ना हमको किशमिश बहुत अच्छा लगता है, आप लोग पता ना आप लोग क्या अच्छा लगता है मीठा पुलाव में। तो चलो जल्दी से बाहर बनेगा चिकन कस्सा और मीठा चिकन कस्सा। हाँ, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एकदम फैब है, हम उसका पूरी चिकन कसा या पुलाव पूरी भी बन रहा है, नहीं हम बोल रहे हैं इसका कॉम्बिनेशन बोल रहा है, मीठा पुलाव चिकन कसा, मतलब जान है, जान लगेगा एकदम कोई भी पार्टी का। हम तो अब हर साल जाएंगे शीतला पूजा में आपके घर के पास खिचड़ी खाने। हाँ, हम तो भी शिफ्ट हो जाएंगे, तब तो आना ही आना है, हर मतलब खिचड़ी खाने जाएंगे स्पेशल, वहाँ का खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है शीतला पूजा ना। तो चलो यहाँ पे हम पानी गरम करने के लिए रख दिए, क्योंकि ना पुलाव में हमेशा हम गरम पानी का ही इस्तेमाल करता है, और अगर आप लोग भी बनाओगे बनाते हो तो गरम पानी का ही इस्तेमाल करना है ना। तो चलो जल्दी बना के फिर जा रहे हैं बाहर, मतलब हाँ मतलब शेखर शादी हो जाएगा तो शेखर अपना दीदी को लेके ही जाएंगे। हो जाएगा नीचे कीजिए ना, छोड़ दीजिए। हैप्पी बर्थडे मारू, हैप्पी बर्थडे चाइनीज, भैया हमको चाइनीज मत बोलना, हम बोलते हैं इसको चिंग चोंग, ए चिंग चोंग, चिंग चोंग। चलो और मम्मी कैसे लग रही है बता तू, सुंदर लग रही है बताओ, हैप्पी बर्थडे, इसको नहीं जला जलाएगा, इसको अभी नहीं जलाएगा, नहीं सब उसको खिलाएगा, नहीं खाई
बिट्टू पे टीका लगा रहे नहर हो रही है बहुत खुश है बहुत खुश है। गिफ्ट भैया गिफ्ट उठे लो भारी चीज है मिल गया पैसा कैसे नहीं मिलेगा आधा दे देना आपको 50 रुपया 50 दे देना एक एक और बुढ़िया का हैंडल में था ना तो इधर रोम नाना पापा उठा लो खाली खाली ये बॉस है घर की बॉस खिलाएगी खिलाएगी वो खिलाएगी अच्छा बाबा खिला दो वो एक बोल ले तो बउआ के खाने में कुछ बस टीका ही लगा दो सब जो जाए और कौन बाकी है पापा पापा नहीं आएंगे पापा तबियत खराब है बाबू बाबू का आपका है ना आपका नया लेके आए ना बाबू पहले कौन दे क्या पड़े चलो अभी होगा केक कट है ना माचिस ओम जलाएगा फिर वही बात तो अभी हुआ बर्थडे का केक कट संपूर्ण बेटा खा ले मैं खाएगी हम लोग का डेकोरेशन जाता है ओम को और शेखर को कल इसका बर्थडे है भगना राम का चूट चूट करके पापा को पूछ रही है अप्रैल आने वाला है पापा अंदर जाके ना कट करके बच्चे लोगों को दे दीजिए हम तक बाहर देख रहे हो गया पार्टी Hey guys, so कैसा लगा हमारा ये छोटा सा सेलिब्रेशन होप आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि घर में खुशियाँ देने से खुशियाँ मिलती है तो ये छोटी छोटी चीजें घर पे करनी चाहिए जिससे अच्छा लगता है तो आज हमारी छोटी सी बहन का 1 साल हुआ है और 1 साल सेलिब्रेट किया बहुत मजा आया पूरा घर में मम्मी पापा एक साथ मामी मामी को बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम मामी हमारे साथ कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम और हमने मामा को मिस किया मामा मामा ब्लॉग देख रहे होंगे मामा ब्लॉग देख रहे मामा को वीडियो कॉल नहीं किया कोई बात नहीं ब्लॉग ब्लॉग देख लीजिए मामा को ही बस मिस किए यहाँ पे मामा रहना जरूरी था और गाइस जैसा कि मुझे पता है आपको आपको पता है कि मुझे खीर बहुत पसंद है और स्पेशली मम्मी के हाथ से तो सबसे ज्यादा बट मामी बनाई है अच्छी बना अच्छा बनाई है मस्त बनाई है मुझे अभी तक खीर सच बताऊं तो मेरी मम्मी का हाथ का मेरी सास का हाथ का खीर बहुत अच्छा लगता है
अगर ऐसा तारीफ नहीं करे कि मम्मी का किए तो उनका भी करना पड़ता है, लेकिन फिर अच्छा बना रहे अच्छा लग रहा है। क्या चाहिए बेटा? टीका लगाएगी? टीका लगा दिए, बहुत टीका लग गया तुम्हारा। सबके लगाई देख, हम के लगे ले ले, अब के लगे ले, चप्पल दे दो, प्रियक लगा। सो आज का ब्लॉग कैसा रहा? और देखो अच्छा लगा, बुआ का प्यार देख रहे हो, ऐसे करके लगा। हमारी बेटी एकदम अपनी दादी पे गई है, फुल संस्कारी, एकदम पूरा संस्कार से भरा हुआ, पूजा पाठ में एकदम। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं नहाया भी नहीं, बस चेंज किया, तो मैं जाके भी नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, मिलता हूँ।